साथ ही मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, अनेकों प्रत्याशी अपने भाग्य की अजमाइश के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अनेकों पार्टियां केंद्र और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं, लेकिन साथियों आपको नहीं भूलना चाहिए बाबा भीमराव अम्बेडकर को, उनके द्वारा लिखित संविधान को। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कितनी पढ़ाई की थी, विदेशों से भी उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, और वो विशेषकर पढ़ाई को ही पसंद करते थे और पढ़ाई पर ही फोकस करते थे। लेकिन साथियों, आज कोरोना काल में 3 साल से बच्चे घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई चौपट हो चुकी है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीमराव का सपना शायद साकार नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों, एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना जो शिक्षा का महत्व तो समझता हो, जो किसान की हकों की बात करता हो, जो पढ़े लिखे विद्यार्थियों के हक की लड़ाई लड़ता हो, जो सीमा पर तैनात जवानों की बात करता हो, साथियों जो दलित मजदूर गरीब का मसीहा हो, जो समानता का व्यवहार करता हो, जो धर्म जाति से परे हो, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, जो सबको समान लेकर के चलता हो, साथियों रोजगार की बात करने वाला व्यक्ति और व्यवहार कुशल जो ईमानदारी से अपने काम को करता है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ मजबूत कर देना, उसको वोट दे देना। लेकिन लोभ और लालच में आकर के अपने मत को खराब मत करना। एल्कोहल पीकर के, दारू पीकर के, ड्रग्स लेकर के अपने ईमान को मत बेचना। साड़ी कपड़े कुछ समय के लिए रह जाते हैं साथी, लेकिन ये लोकतंत्र है, देश है, देश की मजबूती के लिए होटल क्लबों में जाना, होटल पर खाना खाना, अच्छे सुंदर कपड़े किसी प्रत्याशी से लेना और पैकेट लेना, 1-2 लाख रुपए उस प्रत्याशी से ले लेना, इससे देश का भला नहीं होगा। आपका हो सकता है 15 दिन का भोजन तैयार हो जाए, आपके घर में एल्कोहल की बोतलें रखी हों, कुछ क्षण के लिए आप आराम कर सकते हो। लेकिन साथियों, इस देश यदि भारत है तो आप हैं, और आप भारतीयता का परिचय हैं, आप इंसानियत का परिचय हैं, और ऐसे नेक ईमानदार आदमी को जिता करके लाए जो देश का चिंतनशील व्यक्ति हो, जिसको संविधान का ज्ञान हो, और जो संसद में या लोकसभा में और विधानसभा में बोलने की सही हिम्मत रखता हो। साथियों, इन सब बातों के साथ मैं उन्हें आपसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्र का ध्यान रखते हुए, राष्ट्र के निर्माण का ध्यान रखते हुए, राष्ट्र के चिंतनशील व्यक्ति बन करके उस व्यक्ति को जिताना जो व्यक्ति आपके जनहित और राष्ट्रहित में काम कर सकता है, जो जाति और धर्म से परे है, जो भेदभाव से परे है, जो जिसके पास ऊंच नीच नहीं है। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।